उधर झज्जर में अशोक चक्र विजेता शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट राकेश मलहान की प्रतिमा का पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ अनावरण हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शहीद राकेश मलहान की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्हें नमन किया है। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, डीपी कैप्टन शक्ति सिंह, सैनिक अधिकारी और पूर्व सैनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बताते चले कि राकेश मलहान 5 दिसंबर 1992 को 5 अफगान आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर देश के लिए शहीद हो गए थे। अशोक चक्र विजेता उनकी अनावरण आज सुवर्णा गांव में बड़े गौरवपूर्ण तरीके से किया गया है। मुझे बहुत ही आनंद है, इतने वीर बहादुर इस इलाके में हैं और बहादुरी के जो सर्वोच्च तक में होते हैं, युद्ध काल में सर्वोच्च तकमा जो है परमवीर चक्र होता है और शांति काल में सर्वोच्च तकमा अशोक चक्र होता है। 6 अशोक चक्र हैं केवल हरियाणा, उनमें से एक राकेश सिंह के नाम है और सबसे कम उम्र का उनके नाम है। तो इस नाते से बहुत उस वीर का हम अभिनंदन करते हैं। हमें पूरे इलाके को, पूरे गुहांड को, पूरे झज्जर जिले को गौरव है इस वीर का सम्मान करते हुए। इसकी प्रतिमा का अनावरण आज हुआ।